कुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम मौजूद है अकराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत खुर्रमपुर में, जहां हम यहां के जो नव निर्वाचित प्रधान है, वर्तमान प्रधान है, हम उनसे बात करेंगे गांव की जो समस्या है और जिनके समाधान वो कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने अभी तक किया है, आगे की उनकी क्या योजना है, तो उसके बारे में हम यहाँ के प्रधान से बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ के प्रधान के पास। नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम मौजूद हैं अकराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत खुर्रमपुर में, जहां हमारे साथ यहाँ के वर्तमान प्रधान मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अब तक अपने प्रधान पद पर रहते हुए क्या क्या उन्होंने कार्य कराए हैं, कितने कार्य उन्होंने सफलता मिली है और आगे उनकी क्या क्या योजनाएँ हैं। तो चलिए बात करते हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। ग्राम पंचायत खुर्रमपुर से जिला प्रधान जी, ऐसे आप प्रधान पद पर नियुक्त हुए हैं तो आपने अपने गांव में क्या क्या ऐसी परेशानियां देखी जिनको देखकर आपको लगता है कि आपको प्रधान पद पर आगे आना चाहिए? सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे यहाँ जो नाली खड़िया है ये है, और सफाई का डस्टिन वगैरह ये सारा देखते हुए अभी तक जो आपने कार्य कराए हैं उसमें जो जनता है कितना आपका सहयोग कर रही है और कितना उससे संतुष्ट है? जनता को उससे संतुष्ट है, खूब अच्छा सोच रही है और अच्छा कर रही है। प्रधान अच्छा है और आगे भी अच्छा करेंगे। कई मैंने पंचायत में सुनिश्चित कराया और स्कूल में भी कराया है, प्राइमरी स्कूल में शहर वगैरह उसका, और आगे भी विकास आएगा कराएंगे। नल वगैरह कराए हैं, रिबोर्ड कराए हैं 15 साल जो काफ़ी समय से 10 साल से बंद पड़ी थी वो मैंने कराए हैं। पानी की व्यवस्था अच्छी है, पानी निकासी की ठीक है, अब पास में नाला है उसमें पानी चला जाता है। का आप जिसने बताया कि आपने स्कूल का सुंदरीकरण का कार्य कराया है तो आपके गांव में कितने स्कूल हैं? 2 स्कूल हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है 6 से 8 का और एक 1 से 5 का प्राइमरी स्कूल। उससे आगे की शिक्षा के लिए क्या क्या आपने सोचा है? आगे शिक्षा ये है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ की बहन बेटी हैं बाहर नहीं सुरक्षित नहीं जा पाती हैं, तो सोचते हैं कि अपने कॉलेज में जिला लोगों से कहा है, सरकार से किया है, आश्वासन दिया है। खाते रहेंगे प्रधान जी, ऐसे बीमारी फैल गई, डेंगू है और कोविड भी है पहले, और अभी ये आसार है कि सुनने को आ रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो आपने इससे बचाव के लिए क्या क्या अपने गांव में कराए? तीन चार बार करा दिया इसको, डेंगू वाली दवा का भी स्प्रे कराया है पूरे लोगों को, पूरा गांव का कंट्रोल में है, कोई ऐसा बीमार नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन में भी 90% वैक्सीनेशन अभी योजना तो क्या ये गरीबों तक पहुँच पा रही है? हाँ बिल्कुल पहुँच रही है, मैंने कम से कम 30-40 लोगों का आवेदन कराया है और अभी शायद ये लोगों से हो जाएगा। उसमें कुछ विधवा है, कुछ विकलांग है और कुछ वृद्धा है और कुछ आवास के लिए भी आवेदन कराया है, उनकी जांच चल रही है, वो सही है तो उनका आवेदन है। जॉब कार्ड कितने बनवा चुके सर आप? जॉब कार्ड मैंने करा दिए 50 तो मैंने अपने उसमें करा दिए जी, और उस पहले से चल रहे थे करीब 340 के करीब जॉब कार्ड हैं जवाबदार, और काम भी चल रहा है मनरेगा का और जाते भी हैं और उन्हें काम भी मिल रहा है। तो जैसे प्रधान जी, अब जो अब जैसे बताया आपने कि ये योजनाएं हैं वो आप करवा रहे हैं, तो विकलांग पेंशन जो है उसमें कितना परसेंट व्यक्ति को वो विकलांग होना चाहिए तब जाके उससे पेंशन मिलती है? ये तो मैंने अभी कागज़ जमा कर दिए, वो तो उनके ऊपर है कितने को क्या खर्चा। सबसे देखा जाए जो राशन को लेकर काफ़ी समस्याएं देखी जाती है गांव गांव में, तो आपके यहाँ पे राशन किस तरह की व्यवस्था है, पूरा मिल रहा है या थोड़ा सा? राशन पूरा मिल रहा है और सभी लोग संतुष्ट हैं, मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं है। आगे आपने क्या क्या सोचा है गांव के लिए? आगे और अच्छा कराएंगे, गांव में हमारे यहाँ
मरघट नहीं है। हाँ हाँ। तो मरघट के लिए भी हमने सोचा है मरघट करा दें जी। पानी की टंकी है उसके लिए भी हमने सोचा है, वो भी कराएंगे। और जितना विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ही करेंगे। जनता ने आपको इतना सपोर्ट किया है, तो आप क्या कुछ हमारे सर के माध्यम से कहना चाहेंगे जनता के? जनता का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे जैसे लोगों ने उन्होंने चुना, लोगों के दिमाग में सही बैठा है कि ये लोग सही हैं, उनको चुनना चाहिए। मेरे सामने चार पांच प्रतिनिधि थे, उनको नहीं चुना उन लोगों ने, मुझे सही माना इसलिए उन्होंने चुना। और मैं अपनी जो कार्यकाल है उस पर खड़ा ही उतरूँगा और अच्छा कार्य कराऊँगा, अच्छा विकास कराऊँगा। देखो, ये गांव में सब तरीके के लोग होते हैं, हर पार्टी के लोग होते हैं, वैसे माहौल ठीक है, ज़्यादा लोग आपके लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ यहाँ प्रधान जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया। मैं कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गुंजन पाठक। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।